पीएम मोदी रूस की अध्यक्षता में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा बिलबोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बिलबोर्ड्स भी देखने को मिले, जिससे पता चल रहा है कि भारतीय प्रवासी अपने देश के नेता के स्वागत के लिए कितने उत्साहित हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें लिखा है, मैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान की 2 दिवसीय यात्रा पर आज प्रस्थान कर रहा हूं। भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। वैश्विक विकासात्मक एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक भलाई के लिए समावेशिता और एजेंडा में और इजाफा किया है। जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की मेरी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। मैं ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए उत्सुक हूँ। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर हैं। वह वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर कजान में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है।